बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। महाराष्ट्र की राजनीति नागपुर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। नागपुर शहर में एक ओर संघ का मुख्यालय है तो दूसरी ओर महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री का निवास स्थान है। ऐसे में नागपुर शहर में अब लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार शुरू हो गया है। भाजपा के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस प्रत्याशी विधायक विकास ठाकरे में सीधी लड़त दिखाई दे रही है। नागपुर शहर में पहले चरण में मतदान होने जा रहे हैं, जिसके लिए कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में सभी पार्टियों की ओर से जोरदार प्रचार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रचार के लिए स्टार प्रचारक मैदान में उतर आए हैं। ऐसे में कांग्रेस की ओर से कौन प्रचारक होगा, इस बात को लेकर जब हमारी टीम ने कांग्रेस प्रत्याशी विकास ठाकरे से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी स्टार प्रचारक मेरी जनता है, मैं उनके साथ प्रचार कर रहा हूँ। आगे उन्होंने नितिन गडकरी पर तंज साधते हुए कहा कि वे बोल रहे थे कि मैं प्रचार नहीं करूंगा, अब उनके प्रचार के लिए स्टार प्रचारक आ रहे हैं। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे। ये लोकतंत्र और देश बचाने के लिए जनता खुद ये चुनाव लड़ रही है। इसे मेरे स्टार प्रचारक यहाँ की जनता है, मैं जनता के आगे वोट मांगने के। अब मुझे नहीं लगता कि मैं इतने बड़े आदमी के आगे चुनाव लड़ रहा हूँ, और उनका कहना था मैं वोट भी मांगने नहीं जाऊंगा, और अभी स्टार प्रचारक आ रहे हैं। इस पे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चुनाव किस नतीजे पर पहुंचा है। और ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है जो सारे लोकसभा के, ये लोकतंत्र बचाने के लिए देश बचाने के लिए होने वाला चुनाव है, और ये चुनाव जनता लड़ रही है। अब मैं जो रास्ते पर घूम रहा हूँ ना, तो शहर की जनता ये चुनाव लड़ रही है, इसी मुझे लग रहा है। और इसीलिए एकनाथ शिंदे जी और वो आदित्य कौन योगीनाथ जी, इनको आना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है नागपुर की जनता ये बाहर से आने वाले किसी भी को देख के वोट देने वाली नहीं है। जो विचारधारा की लड़ाई है उस विचारधारा को इस चुनाव में वोट देगी। विकास ठाकरे ने BCN के माध्यम से शहर के सभी नागरिकों को गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं भी दी। मैं नागपुरवासियों को शुभकामनाएं देऊंगा। गुड़ी पाड़वा हमारा हिंदू संस्कृति का त्यौहार है, और इस त्यौहार को सभी लोग यहाँ पर उत्साह से मनाते हैं, गुड़ी पाड़वा की राह देखते हैं। इसके बाद में रामनवमी है, तो मैं सभी नागपुरवासियों को मेरी ओर से गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं दूँ। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुस्लिम और बहुजन समाज में जाकर प्रचार किया जा रहा है। इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विकास ठाकरे ने कहा कि समाज को बांटकर प्रचार किया जाएगा तो वो भाजपा के खिलाफ जाएगा। मुझे लगता है कि ये सर्वधर्म भाव समभाव का शहर है, यहाँ समाजों को बांटकर प्रचार किया जाएगा तो वो इनके खिलाफ ही जाने वाला है, और हर समाज का आदमी एक गट्ठा उठ इस बार इनके खिलाफ डालने वाला है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।